आपका जो NIT एरिया है इसके अंदर जो काफी हिस्सा शहर का भी है और गांव भी है, बड़े गांव भी हैं, और समस्याएं क्या हैं NIT की मुख्य? आप किसी क्षेत्र में निकल जाओ, गली में नाली में पानी भरा हुआ है, सड़कों पे बुरा हाल है, माताएं बहनें नहीं निकल सकती, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो छुट्टियां कर लेते हैं, आपके मतलब कई बार वो कई कई तरह के कपड़े पहनते हैं, कभी राम नामी कपड़ा पहनते हैं, कभी भगवा कपड़ा पहनते हैं, आप कह रहे हो काम नहीं हुए वहाँ पर? देखो जी वो तो क्या बोले, कईयों ने बोला नौटंकीबाज, मैंने नाम रखा हुआ उनका नीरजुद्दीन कुरैशी, मैंने उनका नामकरण किया हुआ है। वो तो आपका स्पेशलिटी है। हाँ, क्या आप हिंदू मुस्लिम ले ही जाते हो कहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीरज जी ने पैसा लिया सरकार से, करोड़ों रुपए दिया, 42 करोड़ अभी भी पिछले दिनों दिया है, अब कोई हिसाब ले वो कहाँ है पैसा। मुझे बताया कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो फरीदाबाद 86 से। जी, तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला तो पार्टी से कितनी उम्मीद है टिकट की, कोई बात चली है, आवेदन किया है, कितनी उम्मीद है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की जो दस्तक है वो बहुत नजदीक से सुनाई देने लगी है। अगले 90 दिन में हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव का शेड्यूल हो जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव की लगभग तारीखें आ जाएंगी, चुनाव का प्रोग्राम हो जाएगा और चुनाव शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल जहां अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिनका इंटरेस्ट है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी भी तैयारियां हैं। इस सब को लेकर फरीदाबाद की एक विधानसभा सीट है NIT, फरीदाबाद 86 जिसका नंबर है। फरीदाबाद NIT 86 पर इस समय विधायक नीरज शर्मा हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। अगले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं और ऐसे ही एक नेता, मैं उनको नेता कहूं या फिर सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए एक प्रतिनिधि, वो मेरे साथ हैं, बिट्टू बजरंगी। नमस्कार। बिट्टू बजरंगी जी, पूरा नाम क्या है आपका? राजकुमार, और वैसे मुझे बिट्टू बजरंगी के नाम से ही जानते हैं। राजकुमार इनका पूरा नाम है और बिट्टू बजरंगी के नाम से प्रचलित इनका नाम है। बिट्टू बजरंगी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, इनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का इनका उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ने का मन में क्यों आया, क्योंकि गौरक्षक और गौरक्षा के काम में लगे रहते हैं, समाज और धर्म की बात होती है, तो उसके बाद में चुनाव लड़ने को लेकर के जो इनकी शुरुआत है कुछ इन विषयों पर बात करेंगे। बिट्टू जी स्वागत है आपका देश। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मुझे बताया कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो फरीदाबाद 86 से। जी, तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है सबसे पहला तो ये? देखो जी, अभी पिछले दिनों हमारे संतों का भी एक आह्वान था कि अगर राजनीति को स्वच्छ बनाना है और सही तरीके से काम करना है तो जो सनातन के लिए काम करते हैं उनको भी राजनीति में आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं हमारे, जो जगत गुरु हैं, उनका कहना है और ये पिछले दिनों में कई सालों से चलता आ रहा है कि अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो अच्छा कार्य होगा और सारी चीजें ढंग से चलेंगी। मतलब जो संत समाज है, धर्माचार्य है, सनातन से जुड़े लोग हैं, जो उन्होंने कहा तो उसको लेकर के आपके मन में आया कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। ये हमारे जो जगत गुरु हैं वो सबने में इसी चर्चा होती रहती है, बातें होती रहती हैं। हाँ, तो उनको अच्छे लोगों को भी आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। वैसे अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बिट्टू जी, जहां तक मैंने अभी तक आपके बारे में आपका प्रोफाइल देखा है, आप गोरक्षा के काम में रहते हैं, आपका एक संगठन है, किस नाम से आपने? गोरक्षा बजरंग फोर्स। गोरक्षा बजरंग फोर्स के नाम से आपने संगठन बनाया हुआ, रजिस्टर्ड भी है शायद? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड आपका संगठन है, गोरक्षा का संगठन आपका चला रहे हैं, नंबर एक। विवादों से आपका नाता रहता है हमेशा जी। इन सबके बीच में जब आप एक संगठन चला रहे हैं और आपने कहा कि संतों का आह्वान, तो केवल संतों के आह्वान से या फिर कोई और भी इच्छाएं NIT को लेकर के आपकी हैं? कोई समस्याएं देखी हो या आपको लगता हो कि NIT के अंदर जरूरी है, क्योंकि NIT की जवाहर कॉलोनी से है जहां तक मुझे ध्यान आता है। जनता में ईश्वर बसा हुआ है और जनता का काम जो करता है वो ईश्वरीय कार्य होता है, और अगर जनता दुखी है तो उस राजा का रहना, अपनी पद पे अपनी प्रतिष्ठा जो लेके बैठा है वो पद को, उसकी वो व्यर्थ है। ठीक बात है। तो उसको लेकर
ये मन में विचार आया कि हम सभी समाज सभी वर्गों को लेकर चलते हैं और उनको हम झूठ फरेब बोलकर उनकी वोटों से हम जीत जाते हैं और उसके बाद वो सारी बातें धरातल पर नहीं होती और उसके बाद फिर वो पता नहीं किस मुंह से दोबारा वोट मांगने के लिए फिर दोबारा आते हैं मार्केट में कि हमें फिर जुताओ। तो मैंने ये ठाना कि हर विधानसभा में सनातन जो प्रेमी उनको आना चाहिए, मैं अकेला नहीं, हर सनातन धर्म जो काम कर रहा है और सरकार से भी निवेदन कि जो सनातन का काम करते हैं जो अच्छा अपने पूरे जीवन को इसमें लगा रखा है उनको चिन्हित करके जो समाज का काम करते हैं उनको आगे और लाना चाहिए और आना चाहिए। तो मेरे जो आपने 86 की बात करी है नेटी की, इसमें जनता बहुत दुखी है। आप किसी क्षेत्र में निकल जाओ, गली में नाली में पानी भरा हुआ है, सड़कों पे बुरा हाल है, माताएं बहनें नहीं निकल सकती, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो छुट्टियां कर लेते हैं और अभी कल की घटना है, कल एक शादी बहन बेटी की होने वाली है, वहां पर इतना पानी है। तो मुझे बताया बिट्टू भाई, हमारे घर में शादी है हमारी बेटी की और आप किसी को फोन करो नगर निगम में कहीं, तो इस चीज को लेके कि जनता मेरे से बोलती है। जो आप कहते इतना पानी भरा हुआ है, आपका तो एमएलए पानी के अंदर जाके बैठ जाता है, वो तो कहता है मैं बड़ी सेवा करता हूँ नीरज शर्मा। देखो जी, आपके एमएलए कई बार वो कई कई तरह कपड़े पहनते हैं, कभी राम नामी कपड़ा पहनते हैं, कभी भगवा कपड़ा पहनते हैं, आप कह रहे हो काम नहीं हुए वहां पर। देखो जी, वो तो क्या बोले, कईयों ने बोला नौटंकी बाज, मैंने नाम रखा हुआ उनका नीरजुद्दीन कुरैशी, मैंने उनका नामकरण किया हुआ है। वो तो आपका स्पेशलिटी है। हाँ, क्या आप हिंदू मुस्लिम ले ही जाते हो कहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मन में रहता है। नीरजुद्दीन कुरैशी का क्या मतलब हुआ? हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको कि ये सारी चीजें होती हैं जब हमारे एनआईटी में कुछ नहीं करा उसने जी। लेकिन जहां पर मैं ये नहीं करा, नेता का काम है सभी वर्गों को सभी धर्मों को लेकर चलना, लेकिन एक विशेष की तरफ ज्यादा काम करना और हिंदुओं की अनदेखी करना। अच्छा, उन्होंने जो मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर अच्छी सड़कें बनवाई, अच्छी व्यवस्था करवाई, वहीं उनका फार्म हाउस है, वहीं पर सब कुछ उनके सारी सुविधाएं दी, सरकारी सुविधाएं दी, और हमारी जो शहरी जनता है जिन्होंने भरके वोट दी है उनको इन्होंने दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। आप ये कह रहे हो कि भेदभाव किया उन्होंने? भेदभाव किया, भेदभाव किया। भेदभाव तो शुरू से करते आए, जाति के नाम से भी, धर्म के नाम से। उनका अपना फार्म हाउस भी, उसको भी देख लिया उन्होंने। हाँ, ये सारी चीजें हैं उनकी, बहुत सारी चीजें हैं उनका, लेकिन वो भेदभाव करते हैं इस चीज को लेकर। और अभी पिछले दिनों सारी बात है, समाज के लोग जाते हैं उनके पास तो ये सारी, तू 9 नंबर वार्ड का है, तूने उसको वोट दिए, तूने उसको वोट दिए। जब आदमी जीत जाता है उसके बाद वो उसके लिए उसको सबको एक आंख से दिखना होता है, एक आंख से दिखना चाहिए। किसी ने वोट नहीं दी वो भी उसके लिए प्रजा है, और जिसने दिए वो भी सब चुना हुआ जनप्रतिनिधि सबका है, सबका है, सबका ध्यान। हाँ, उसमें ये नहीं कि तूने मुझे नहीं दिए। बिल्कुल, इस बात से आपके से बिल्कुल सहमत हूँ, जो जनप्रतिनिधि चुना हुआ है वो सबका होता है, सबका ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो शहरी एरिया है या जो हिंदू कम्युनिटी वाला एरिया है वहां पर वो ध्यान नहीं देते, दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं, नरक बना दिया, नरक, लेटरिन, तैर रही है पानी में, आप किसी गली में नहीं जा सकते। फिर ये बोलते हैं बाबा जी के सपने पूरे कर दिए, क्या कर दिए, खराब कर दिए बाबा जी। हाँ, हम हमारे जो हमारे बुजुर्ग है और हमारे पूज्य भी थे पंडित शिवचंद्र जी, उनके पिताजी, हाँ, उनका नाम लेके और अपना नाम चला रहे हैं। उन्होंने तो अच्छा काम किया लेकिन उन्होंने नाम डुबा दिया। अच्छा, शिवचरण जी ने काम अच्छा किया था? हाँ, बिल्कुल किया। नीरज ने काम अच्छा नहीं, डुबा दिया नाम, अपने नाम डुबा दिया, ये सारी चीजें उनका नाम लेके। वो तो अच्छे, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इन्होंने सारा काम मिट्टी में मिला दिया। चलिए, आपका जो एनआईटी एरिया है इसके अंदर जो काफी हिस्सा शहर का भी है और गांव भी है, बड़े गांव भी हैं, और समस्याएं क्या हैं एनआईटी की मुख्य मेन जो आप समस्याएं की समस्याएं हैं? जो समस्याओं का तो जी गिनती नहीं है, समस्या इन्होंने इतनी उत्पन्न कर दी है पिछले नेताओं ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि फिर ये हो जाता है ये तो ऐसे बोलता है, इतनी उत्पन्न कर दी है कि मैं तो कहूँ अगर 24 घंटे सरकार काम करने लग जाए ना तो 6 महीने में भी वो काम पूरे नहीं होंगे, अगर दिन रात काम करें तो। सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी, सड़कें, सिवरेज, अभी भी करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, फाइल बन गई, नाली बन गई,
नाली जो बनी है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, वो नाली ऐसी बना दी है कि उसमें आने वाले बारिश के टाइम में बच्चे उसमें डूब के मरेंगे। उस नाली के ऊपर जाली लगानी चाहिए, आधा काम किया आधा नहीं। बच्चे उसमें, स्कूली बच्चे, हमारा अटल चौथे सोना रोड तक 5 स्कूल है। छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, पूरे क्षेत्र में ही समस्या है। नाली बना दी है लेकिन उनमें छोटे छोटे बच्चे डूब के मरेंगे, उनके ऊपर जाली नहीं है। वो नाली अभी से भर गई तो नाली बनाने का फायदा क्या? प्रत्येक गली में हमारी बहन बेटी कपड़ों को उठा उठा के चलती है, ना कोई शादी है ना कोई ब्याह है, और बाहर के जो पारिवारिक जो गेस्ट होते हैं वो भी नहीं आ पाते, क्योंकि कहते हैं NIT 86 भाई वहां नहीं जाएंगे, इधर ही शहर में आ जा। यानी कि इतना नाम बदनाम कर दिया 86 का कि हम वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे ना तो गाड़ी निकल सकती है ना पैदल आदमी जा सकता है। आप इतनी बात कह रहे हो, जहां तक मुझे पता है या जो मुझे पता चला, आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हो जी, बीजेपी में आप RSS से भी जुड़े हुए रहे हैं जी, आपकी सरकार है 10 साल से, हाँ जी, MLA काम नहीं कर रहा, आपकी सरकार कहाँ सो रही है? आपकी सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? या सरकारी भेदभाव करती है? इन्होंने पैसा लिया सरकार से, नीरज जी ने पैसा लिया सरकार से, करोड़ों रुपए दिया, 42 करोड़ अभी भी पिछले दिनों दिया है। अब कोई हिसाब ले, वो कहाँ गया पैसा? हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, सब गोलमाल है। तो नीरज शर्मा तो ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने उनकी कई बार पोल खोली, उनकी बात उठाई, सरकार में सुनवाई नहीं होती। देखो भ्रष्टाचार की तो ये बात है, मैं आपको बता दूं, नहीं आपने कहा ना 42 करोड़ का, हाँ, वो तो 200 करोड़ वाली फाइल भी लेके घूमते हैं कि जो 200 करोड़ का घपला था उसके अंदर वो कहते हैं कि पूरा जो एक्शन नहीं हुआ, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। आप उन पर आरोप लगा रहे हो कि 42? मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, उनको एक फाइल और लेनी चाहिए अपने साथ, जब सबकी वो फाइल बता रहे हैं, वो जांच का विषय है। हमारे यहाँ इन्होंने चाचा चौक टू सोना रोड जी और सोना रोड टू चाचा चौक डबल फाइल पास करवा दी। ये समाज में राजनीतिक गलियारों में सबसे चर्चा थी उस टाइम कि डबल डबल सड़क बना दी, चाचा चौक से सोना रोड, सोना रोड, सोना रोड टू चाचा चौक, ये फाइल पास करवा दी। जो समाज के लिए जो रास्ता बनाता है, आप अभी जाकर देखिए करंट में, इन्होंने समाज के रास्ता का रास्ता रोक दिया, इनकी खुद की गली वो बंद कर रखी इन्होंने, चबूतरा बना रखा है, कुर्सी बिछा रखी है। यानी कि जो जो राजा होता है वो समाज के लिए काम करता है, पूरी गली इन्होंने घेर रखी, बंद कर रखी है। तो ये क्या दूसरों पे दूसरी उंगली उठाने पहले चार उंगली अपने ऊपर भी होती है, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन कोई इस बात पर उठाता नहीं है। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। NIT से आप कह रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूं और आपका मन है जी चुनाव मैदान में जाने का जी, 90 दिन लगभग लगे हैं चुनाव की जो घोषणा हो जाएगी और चुनाव शुरू हो जाएगा, तो कहां से तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी या कुछ और भी सोचा है? हम तो अपने परिवार से मांगेंगे जी, पूरा जीवन इसमें निकाला है, 95 से हम सेवा कर रहे हैं, और संगठन में रहे हैं, और भाजपा के पदों में भी रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में कब से रहे, RSS में कब से रहे, संघ में तो जी मेरा, मुझे ध्यान आता है, मैं आपकी एक पुरानी घटना जोड़ रहा हूँ यहाँ पर जी। पिछले दिनों एक जो पिछले साल का एक जो मामला था, जो नल्लड़ वाला मैटर था, उस पर जब आप पर आरोप थे तो विश्व हिंदू परिषद और RSS ने कहा था कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, पर आप कह रहे हो कि मैं RSS से जुड़ा रहा हूँ, बताएं। परिवार में एक 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा गलत काम कर देता है तो गुस्से में बोल ही देते हैं, गलत काम हो गया था क्या कि ये बच्चा उनकी नजर में, अच्छा उनकी नजर में, उनकी नजर में, मैं ये नहीं कह रहा, सबकी अपना अपना मत होता है, तो कह नहीं देते कि ये बच्चा हरामी है, ये तुम घर से निकल जा, मतलब मजाक में, टेम्पररी बात थी, अगर मजाक में बोलते नहीं है कि भाई चल तू यहाँ से घर से निकल जा, तो क्या उसको परिवार वाले निकाल देते हैं? क्या ये वो परिवार का सदस्य नहीं रहता? तो उस टाइम क्या सोच पसंद थी, उन्होंने जैसा सोचा, जवाब बड़ा सटीक, जैसा बोला जवाब दिया है, मतलब आप कह रहे हो कि वो जो उस टाइम की बात थी तभी के लिए था, आप RSS और विश्व हिंदू परिषद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरे पूज्य अशोक सिंगल जी जी अयोध्या में कई आंदोलन रहे, हाँ। मैं किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं रहती, मेरी फोटो है, प्रोफाइल है सारी, मैंने उनके साथ किया है काम,
प्रवीण भाई तोगड़िया, गिरिराज किशोर, तो मैं किसको प्रमाण पत्र दूं? मैं तो खुद अपने आप में संतुष्ट हूं कि मैं इस संगठन में मैंने ये सारी चीजें सीखी और मैंने देशभक्ति सीखी और मेरे कारण अगर चार आदमी भी जगते हैं तो मैं सोचता हूँ ये भारत माता के लिए मैंने काम किया। तो मान लिया, आपने कह दिया कि वो उस टाइम का इंसिडेंट था, आज ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी से आप कह रहे हो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई आपके पास दायित्व पदभार भी रहा? हाँ, रहे, पहले रहे, युवा मोर्चा भी, जिला सचिव भी पहले रह चुका। अच्छा। 15 साल पहले। हाँ। तो फिर ये संगठन बना दिए, तो मतलब उसके बाद में आप राजनीति संगठन से अलग होकर के थोड़ा धार्मिक काम में लग गए। राजनीति में तो लगातार हम जब चुनाव आते हैं तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, मेरी प्रोफाइल भी सब कुछ है जी। लेकिन उसके बाद फिर हम अपने संगठन में काम करते हैं जी जी जी। और ये मैंने बोला भी है कि हम कोई विशेष आदमी के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ भारत माता को और राष्ट्र माता और जो संगठन अपनी पार्टी संगठन के लिए उसके लिए काम, अपनी पार्टी के लिए, मतलब किसी नेता विशेष के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करते हैं। चलिए, कितनी तैयारी है चुनाव की? बड़ा चुनाव होता है एमएलए का, बहुत बड़ा एरिया है आपका विधानसभा में। सभी समाज और वर्ग मेरी इच्छा नहीं थी, सभी समाज और सभी वर्गों ने, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने बोलकर मुझे मैदान में उतारा है और ये बोला है बिट्टू भाई अब की बार आप चुनाव लड़ें। मैंने बोला भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लोग बड़े बड़े इस पैसों की बात भी आती है, तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो मैं चुनाव लड़ूं या भ्रष्टाचारी के लिए इतना पैसा लगाऊं फिर इतना कमाऊं। तो उन्होंने कहा सर हम संभालेंगे। अच्छा। तो समाज और सभी वर्ग, धार्मिक संगठन और मेरे ईश्वर रूपी जनता संभालेगी, वही लड़ेगी। बिट्टू बजरंगी अब की बार NIT 86 से सभी बनेंगे, एक नहीं बनेगा, सभी बिट्टू बजरंगी बनकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो आखिरी सवाल, अपना तो इरादा आपने बता दिया, जनता का बता दिया, जनता ने बोल दिया आपके साथ है, धन बल सब जनता आपने कह दिया, पार्टी से कितनी उम्मीद है? टिकट की कोई बात चली है, आवेदन किया है, कितनी उम्मीद है? देखो जी, संगठन अपनी दृष्टि से काम करता है, हमने अपनी बात पहुंचा दी है और सारी चीज़ें देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज़ है और हर प्रोग्रामों में भी मैं शामिल होता हूँ, जो तमाम पसंद होता है, अपनी बात रखने में कोई वो नहीं है और जैसा वो करेंगे वो शर्माते होगा। तो पार्टी जो करेगी वो शर्माते होगा। हाँ। पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का आदेश नहीं होगा तो जैसी हरी इच्छा, जैसी आपके जैसे संतों में कहते हैं हरी इच्छा, जय हरी इच्छा। ये बस, तो ये है बिट्टू बजरंगी। गो रक्षा, गो संरक्षण से काम में इनकी चर्चाएं बहुत सुनी जाती हैं। मैंने पहले ही कहा था, इनके सामने कह रहा हूँ, विवादों से नाता रहता है, विवादास्पद बातें साथ हमेशा साथ आती हैं, लेकिन इस समय जब चुनाव नज़दीक है तो बिट्टू बजरंगी भी कह रहे हैं कि वो भी ताल ठोक रहे हैं फरीदाबाद NIT 86 के लिए। चुनाव के अंदर राजनीतिक दल टिकट दिया करते हैं, बीजेपी से टिकट की इच्छा है, अगर टिकट मिलेगा तो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ेगा तो वही संतों वाली सनातन वाली भाषा की हरी इच्छा। तो बिट्टू जी, हम भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आपको बिल्कुल हो सकता है ये आपकी बात, जो आपकी इच्छा है मन में जो आई है शायद वो पूरी हो, तो आगे भी भविष्य में इसी प्रकार के, क्योंकि चुनावी जो मौसम है ये खास कर ये बातें चलेंगी चुनाव को लेकर, नेताओं को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, इसी प्रकार की शख्सियतों के साथ, लोगों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।